हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फैक्ट्स की दुनिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 10 सबसे बड़े मेट्रो सिस्टम की और उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की। तो वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है लखनऊ मेट्रो। 5 सितंबर 2017 को लखनऊ मेट्रो को शुरू किया गया था। करीबन 23 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ के साथ ये भारत की 10वीं सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम है और 21 स्टेशंस मौजूद है। फ्यूचर प्लान की बात करें तो 11.1 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ अभी प्लान है और 11 स्टेशंस प्रोपोज किए गए हैं और एक्सपेक्टेड है कि 2024 तक ये कम्प्लीट हो जाएंगे। नंबर 9 पे है नागपुर मेट्रो। ये मेट्रो 8 मार्च 2019 को शुरू हुई थी। नागपुर मेट्रो की सिस्टम लेंथ इस वक्त 24.5 किलोमीटर की है और टोटल 16 स्टेशंस मौजूद है। वही 18.5 किलोमीटर का ट्रैक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 93 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इस वक्त प्लानिंग फेज में है। नंबर 8 पे है केरला की ब्यूटीफुल सिटी कोची। कोची मेट्रो को 7 जून 2017 को इनॉग्रेट किया गया था। सिस्टम लेंथ की बात करें तो 25.6 किलोमीटर के साथ कोची मेट्रो भारत की 8वीं सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम है और 22 स्टेशंस मौजूद है। फेज टू में इस वक्त 11.2 किलोमीटर के ट्रैक को अप्रूव किया गया है और लगभग 20 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त प्लानिंग फेज में है। नंबर 7 पे है नोएडा मेट्रो। 25 जनवरी 2019 को नोएडा मेट्रो का इनॉग्रेट किया गया था। नोएडा मेट्रो में इस वक्त करीबन 29.7 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ है और 21 स्टेशंस मौजूद है और 15 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ अभी प्लानिंग स्टेज में है। नंबर 6 पे है देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। मुंबई मेट्रो की शुरुआत 8 जून 2014 को हुई थी और हाल ही में मुंबई मेट्रो की लाइन 2A और लाइन 7 का ट्रायल रन किया गया था। मुंबई मेट्रो की सिस्टम लेंथ की बात करें तो 31.1 किलोमीटर के साथ मुंबई मेट्रो भारत की 6th सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम है और 180 किलोमीटर का ट्रैक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 145 किलोमीटर के सिस्टम पर इस वक्त प्लानिंग चल रही है। नंबर 5 पे है भारत की सबसे पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो, जो कि 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई थी। सिस्टम लेंथ की बात करें तो 38.5 का टोटल लेंथ अभी ऑपरेशनल है, जिसमें टोटल 33 स्टेशंस मौजूद है और 106 किलोमीटर का और ट्रैक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। साथ ही 17.9 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त पहली मेट्रो, जिसका नाम है नम्मा मेट्रो या फिर बेंगलुरु मेट्रो, जिसे 20 अक्टूबर 2011 में शुरू किया गया था। सिस्टम लेंथ की बात करें तो 48.6 किलोमीटर के साथ नम्मा मेट्रो भारत की 4th सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम है और 46 स्टेशंस मौजूद है। फ्यूचर प्लान की बात करें तो फेज टू में 126.3 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। नंबर 3 पे है चेन्नई मेट्रो। तमिलनाडु में 29 जून 2015 को चेन्नई मेट्रो को शुरू किया गया था, जिसमें इस वक्त 54.15 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ ऑपरेशनल है और 42 स्टेशंस बनाए गए हैं और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है। चेन्नई मेट्रो के फेज टू की बात करें तो 118 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि चेन्नई मेट्रो की सिस्टम लेंथ को काफी बड़ा बनाने वाला है। नंबर 2 पे है हैदराबाद मेट्रो। तेलंगाना में 29 नवंबर 2017 को हैदराबाद मेट्रो को शुरू किया गया था, जिसमें इस वक्त लगभग 69 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ ऑपरेशनल है और 57 स्टेशंस मौजूद है और दिल्ली राइडरशिप 4,90,000 के आसपास है और 5 किलोमीटर का ट्रैक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 58 किलोमीटर का ट्रैक अभी प्लानिंग फेज में है। नंबर 1 पे है दिल्ली मेट्रो। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम है। 24 दिसंबर 2002 से ये मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल है। सिस्टम लेंथ की बात करें तो 389 किलोमीटर लंबी है और टोटल 253 स्टेशंस मौजूद है। प्लान और अंडर कंस्ट्रक्शन को मिला के और 120 किलोमीटर की सिस्टम लेंथ दिल्ली मेट्रो में ऐड हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।